हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे दैट इज़ सोप्स एंड डिटर्जेंट। सोप्स एक ऐसे सब्सटेंस जो हमारे क्लीनिंग पर्पस से हम यूज़ करते हैं, उनको हम सोप्स कहते हैं। सोप्स और डिटर्जेंट दोनों के दोनों जो हैं हमारे जो हैं ऐसे सब्सटेंस हैं जो क्लिंजिंग एक्शन शो करते हैं। जो हमारे सोप्स हैं वो हमारे जो हैं आपके सॉफ्ट और हार्ड वाटर दोनों में एक जैसा इफेक्ट नहीं शो करते। अब हार्ड और सॉफ्ट वाटर क्या होता है इसके बारे में हम लेटर अभी डिस्कस करेंगे क्या है। और जो हमारे डिटर्जेंट हैं दे आर नॉन सोपी, और जिनको हम सिंथेटिक डिटर्जेंट्स भी कहते हैं। तो सोप्स क्या हैं? सोप्स दीज आर द कंपाउंड्स ऑफ सोडियम और पोटाशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स मीन्स कम से कम उसमें जो है कार्बन कि जो लॉन्ग चेन होगी वो कम से कम 15 से 18 कार्बन एटम्स जो है अटैच्ड होंगे मिनिमम। तो उनको हम क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड द फैटी एसिड्स। और इनका जनरल फॉर्मूला है R-COOH, वेयर R इंडिकेट द एल्काइल ग्रुप विच इज़ अटैच टू इट। और सोप का जो हम जो है जर्नल फॉर्मूला लिखेंगे दैट इज़ R-CoO-Na+, जो कि एक आयनिक कंपाउंड जो है हमारे पास आता है जिसमें आयनिक पार्ट भी है। तो ये सोप एक ऐसा हमारा कंपाउंड है जिसमें आयनिक बॉन्डिंग भी है और आर पार्ट हमारा जो है अल्काइल ग्रुप इंडिकेट करता है कि इसमें कोवैलेंट बॉन्डिंग भी अवेलेबल। इट मींस जो सोप्स हैं वो हमारे जो है आयनिक एज वेल एज कोवैलेंट दोनों काइंड्स की बॉन्डिंग एग्जिबिट करते हैं। तो सोप में जो है इसको हम जो है अगर हम डायग्राम वाइज इंडिकेट करें तो लॉन्ग चेन को एल्काइल ग्रुप को हम ऐसे इंडिकेट करते हैं और इसमें एक हेड दिखाते हैं। टेल जो है हमारी एल्काइल ग्रुप को इंडिकेट करती है, दिस इज़ द टेल पार्ट एंड हेड इंडिकेट द आवर आयनिक पार्ट एंड इट इज़ कॉल्ड द हेड। इट मीन्स इट विल फॉर्म अ पोल्स ऑल्सो। सो दिस विल पार्ट हेड पार्ट इज ऑल्सो कॉल्ड द पोलार पार्ट एंड वेयर इज दिस एल्काइल पार्ट इज कॉल्ड द नॉन पोलार पार्ट। तो इट इज क्लियर दैट एल्काइल ग्रुप which is attached. Now these points indicate the presence of carbon here which are forming the long chain compound. So soaps जो हैं हमारे जो हैं इसके हम एग्जाम्पल लेते हैं सोप्स के। तो सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल है सोडियम सिटीरेट, जिसमें जो है जो एल्काइल ग्रुप है दैट कंटेन्स C17H35 कंपाउंड्स जो हैं और हमारा एल्काइल ग्रुप है और इसमें जो है हमारे पास ये हमारा जो है पोलर पार्ट है नॉन पोलर एंड देन इट इज़ ए सोडियम सॉल्ट ऑफ इट। सिमिलरली सेकेंड इज़ अ सोडियम पामिटेट, इसमें जो है कम से कम 15 कार्बन आते हैं C15H35 C O O एंड सोडियम आयन इज देयर।
सो अगेन इट इज़ ये द टेल पार्ट एंड इट इज़ ए हेड पार्ट। क्योंकि सोप जो है बेसिक है नेचर में, तो इसलिए ये जो है रेड लिटमस पेपर को ब्लू जो है कन्वर्ट करते हैं। अब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में सोप के, कि सोप के दो पार्ट्स हैं। जैसे कि हमने इसका स्ट्रक्चर दिखाया था कि इसमें एक टेल होती है और एक हमारा हेड होता है, वो इंडिकेट हमारा करता है जो टेल होती है दैट पार्ट इज़ द नॉन पोलर पार्ट, वाइल द हेड इंडिकेट द पोलार पार्ट। सो द हाइड्रोकार्बन चेन ऑफ नॉन पोलर एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब पानी से डरना, और जो है तो इसका मतलब ये पानी से जो है दूर रहता है पार्ट, और जो दूसरा पोलार पार्ट है दैट इज कॉल्ड हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मीन्स लविंग, इट्स अटैच टूवर्ड्स द वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन द वाटर। सो हाइड्रोफिलिक पार्ट makes the soap soluble in water, while hydrophobic part makes the soap insoluble in water. So, it contains both the parts. Now, we have to explain in detail about how it works. So, when its soap is attached to the oil or dirt, suppose the oil part is here, then this part which is a tail part, because it is a hydrophobic part, it will get attached to the, this is I am showing you the tail part, and it will get attached to the oil or dirt part. It is a dirty area, get attached because it is a dirt lover, and the polar part will move away from it and it orient itself in such a manner that it will get attached to the other, away from the oil and dirt, and a cluster of substance will be, the sphere circles will be formed, and this cluster that is called the micelle will be formed, and as a result that what will happen when we rub the cloths or when we scrub it, then this oil and dirt will get attached to it, and after rinsing the cloth will be clean and this dirt will be washed away with water. So is it clear how it works? Now what is the, there is a disadvantage also, as we have said that soap have different effects on the soft as well as hard water. अब सॉफ्ट और हार्ड वाटर क्या होता है? देखिए, जिस वाटर के अंदर हमारे पास कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन्स प्रेजेंट होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? हार्ड वाटर। तो सोप्स जो हैं वो ज़्यादा अपने इफ़ेक्टिव और फॉर्म जो है नहीं बना पाते हैं अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन्स जो है पानी में होते हैं, और जो है ये जो है ऐसा कंपाउंड बनाते हैं, जैसे देखिए दिस इज़ द सोप, जब हम इसमें अगर पानी के वाटर के साथ ट्रीट करेंगे तो वाटर के अंदर जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस प्रेजेंट हैं ये जो हैं ये इसके साथ कैल्शियम सिट्रेट एक प्रेसिपिटेट स्कम बना देते हैं, जो स्कम क्या है आपके क्या है वॉशिंग के लिए जो क्लिनजिंग एक्शन है उसको हिंडर करते हैं, और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस आयंस of calcium and magnesium. Similarly, if we are having the soap and magnesium ions are there, so they will form the scum
एंड दिस कम हिंडर द वर्किंग ऑफ द वाटर. सो इन द हार्ड वाटर सोप्स कैन नॉट वर्क इफेक्टिवली. सो स्कम गेट अटैच टू द क्लॉथ्स यूटेंसिल्स और द स्किन वेयर एवर वी आर यूजिंग एंड द क्लिंजिंग एबिलिटी ऑफ द सोप विल बी रिड्यूस्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दीज स्कम्स. सो इट इज नॉट प्रॉपरली वर्किंग ऑन द हार्ड वाटर. अब सोप्स कैसे बनाए जाते हैं, इनको प्रिपेयर किया कैसे जाता है. सोप जो है, अभी हमने अपने प्रीवियस टॉपिक में भी पढ़ा था स्पोनिक सॉल्यूशन, मीन्स जब हम जो है कि एस्टर्स को ट्रीट करते हैं, उनकी हाइड्रोलिसिस करते हैं एस्टर्स की, तो वो क्या है, किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, हमारी सोप्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो सोप्स जो हैं दीज आर प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग द एनिमल फैट और वेजिटेबल ऑयल लाइक ऑलिव ऑयल कैस्टर ऑयल विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ ए स्ट्रॉन्ग अल्कली और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड दैट इज कॉल्ड द स्पोनिफिकेशन. सो प्रिपरेशन ऑफ सोप्स इज कॉल्ड स्पोनिफिकेशन वेयर वेजिटेबल ऑयल ट्रीटेड विद द अल्कली टू गिव सोप एंड ग्लिसरॉल. सो एज अर्लियर वी हैव डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द सोप. तो सोप कंटेन्स द टू पार्ट्स, वन पार्ट दैट इज कॉल्ड द अल्काइल ग्रुप पार्ट एंड दैट इज हाइड्रोफोबिक पार्ट और दैट इज कॉल्ड द नॉन पोलार पार्ट. वी कैन से नॉन पोलार पार्ट वाइल द अदर दिस पार्ट इज कॉल्ड द पोलार पार्ट विच कंटेन्स द पोल एंड इट इज ए हाइड्रोफिलिक पार्ट. Now we will discuss about the cleansing action of soap. कि soap कैसे जो है washing में हमारे help करते हैं और ऐसा क्या substance बनता है जिसकी वजह से जो है इसको जो है बहुत effective हम मानते हैं. तो soap के जो molecules हैं वो आपने अभी structure में पढ़ा कि उसके ionic और non-ionic part है. तो ionic जो end होता है soap का वो dissolve हो जाता है water में, that is his water loving part. और जो आपका अल्काइल ग्रुप पार्ट होता है, लॉन्ग चेन होती है, दैट इज़ डिसॉल्व इन द ऑयल और वो अपने आप को इस तरह से ओरिएंट करता है. जैसे ये देखिए ऑयल पार्ट हमने दिखाया हुआ है, दिस ऑयल पार्ट ड्रॉपलेट अलोंग विद इट द टेल पार्ट गेट अटैच्ड एंड द वाटर सॉल्युबल पार्ट इज अवे फ्रॉम द ऑयल एंड इट विल फॉर्म अ मिसल. दिस मिसल विल बी फॉर्म्ड and a large number of clusters will be formed here. As a result, what will happen when we agitate it or rub it, scrub it, what will happen, the oil and the it will get attached to it and after rinsing it will come out of it along with the tail part. So soap molecule has a structure that is called micelle. It is clear to you, micelle, and which one end of the molecule is towards the oil droplet while the ionic part it faces outside it. So this forms an emulsion in the water. Soap micelles helps in dissolving the water into the dirt and can washed out by rinsing and cleaning. So in this way the oil or the dirt can be removed from the cloth easily. I think cleansing action is clear to you.